चाहते हैं, अगर मैं कुछ ना कुछ और चूंकि यहाँ पर वोट है तो मुझे कोई फर्क पसंद नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही यहाँ से करंट फ्लो करेगा इसकी कॉल देना चाहे लोगे और अपना कनेक्शन दे करके वो इसके साथ कनेक्शन दे करेंगे, जब इसका कनेक्शन दे करके करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो ये जो नाम है मदर है ये आवाज़ दोबारा सुन जाएगी, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट की सर्किट बन सकता था, फॉर एग्जाम्पल आप जहाँ पे रिले की जगह एक नाम लगा सकते हैं डायरेक्टली लगा सकते हैं, लेकिन जनरली देखा गया कि जो लोअर वैल्यू के लोड होते हैं उनको डायरेक्ट कंट्रोल किया जाता है, इसका ये भी होती है अगर मैंने यहाँ पर एलईडी लगा दी तो इसका इसके मैं एलईडी लगा था जब इसमें से करंट फ्लो करता तो एलईडी जो है वो ऐड देती है, लेकिन अगर थोड़ा सा हैवियर लोड है तो हैवी लोड को फिर बात होकर डायरेक्ट हम नहीं चलाते, हम कंट्रोल करते हैं इनडायरेक्टली, इस तरह हमने रिले की कॉइल को एनर्जाइज तो बीजेपी से किया, लेकिन जो मेन करंट है वो रिले की डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है सबके साथ, या बात हम ये भी करते हैं कि इसका ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी आप देंगे बाद ये तो हम उसके लिए ए सी सिग्नल हम लोग करा रहे हैं, ऐसा सिग्नल है जिसके टाइम में वेरिएशन किया जाता है क्योंकि डीसी सिग्नल जो अपनी साइड में वो नहीं जाता, इस तरह के केसेस देखते हैं कि जब क्योंकि क्लास ए ट्रांसफार्मर नाम से क्लास ए ट्रांसफार्मर में एक है और जिसमें ट्रांसफार्मर यूज करते हैं उसमें जो है नहीं है, लेकिन सीरीज पेड ट्रांसफार्मर का होता है जिसमें हम इधर कलेक्टर के साथ ट्रांसफार्मर सेट कर लेते हैं और फिर ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी है वो एक रोड पर ड्राइव कर लेते हैं, ये डिफरेंट तरह तरीके हैं जिससे आप रोड पर चला सकते हैं। आप लोग इससे मिलते जुलते सर्किट्स यूज करते हैं, फैन का जो फैन है यहाँ पर चल रहा है उसका रेगुलेटर कैसे काम करता है, रेगुलेटर कांस्टेंट वोल्टेज बस सर ये उस पीछे लगाया आपके सर पीछे लगा है
सर कंट्रोल करना, कंट्रोल रेगुलेट करना, रेगुलेशन सर शॉर्ट ना हो जाए एकदम से। फॉर एग्जाम्पल हमने अलार्म ट्रिगर किया और ज्यूम करते हैं कि किसी ने टायर ऑन कर दिया और बाद टेम्परेचर जो है कम हो गया, जब टेम्परेचर कम हो जाएगा यहाँ पर बाहर जीरो हो जाएगा या नेगेटिव हो जाएगा, ये कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा तो करंट फ्लो करना हो जाएगा। अब होता क्या है कि करंट की कॉइल होती है ना ये एकदम से क्लियर एनर्जाइज नहीं होती, जब तक एकदम से क्लियर एनर्जाइज होता है अपने अंदर करंट स्टोर करता है, इसका कैपेसिटर वोल्टेज स्टोर करता है, जब करंट एनर्जी और अगर ये चीज ना बनाता तो ये जो करंट है ये नीचे जाने की ज्यादा कोशिश करता और मुमकिन है हमने ये डायोड घंटा सामने इसको हम फ्री व्हीलिंग डायोड कहते हैं कि फ्री व्हीलिंग डायोड जस्ट एक पाथ देता है करंट को कि ये जो करंट है बजाय नीचे जाए ये इधर फ्लो करता है, क्योंकि ओनली कुछ साइकिल्स बाद चुके हैं इंडक्टर जो है ना उसमें इंडक्टर्स की होती है और रेजिस्टेंस की थोड़ी सी, तो कुछ देर बाद एनर्जी डिसिपेट करके वो जो करंट है वो जीरो हो जाता है। ये इस वक्त आप कह रहे हैं कि क्योंकि हमें पता है इंडक्टर एनर्जी स्टोर करते हैं, एनर्जी डिस्चार्ज करते हैं तब
नंबर 7 तक 0 से लेकर 7 तक नंबर्स को रीड ट्राई कर सकते हैं, उनको रीड कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको पता है कि बाइकिंग के अंदर हर चीज़ की दो स्टेट्स होती है, या क्या 0 होती है वन होती है या वन होती है। तो अगर 0 से 7 तक मैंने कन्वर्ट करना है तो ये तकरीबन 8 पॉसिबल स्टेट्स होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो मेरे पास जो नंबर ऑफ बिट्स होने चाहिए कन्वर्जन के लिए वो इस पर में से निकल आता है log 2 ये तकरीबन 3 बिट्स होती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं 3 बिट्स के जरिए से मैं 8 स्टेट से या 7 पर जा सकता हूँ, और वो आसान है 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 1। काफ़ी इसकी जो वैल्यू 2.17 तक चली जाएगी अगर मैं तो नीचे की नंबर की बात करूँ तो ये 7 के बराबर है। तो प्लीज़ जो हमारा मकसद है कि 7 तक के जो नंबर हैं उनको ये टेस्ट किया जा सके, वो हम 3 बिट्स को इस्तेमाल करके कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, लेकिन वो 1 बिट एक्स्ट्रा हो जाएगी, इसकी जरूरत नहीं है करने को। तो इससे ज़्यादा बिट्स ले सकते हैं लेकिन वो फिर एक्स्ट्रा बिट्स की यूटिलिटी समझ में आती है। या अगर बीच में कोई इंटरमीडिएट किस्म की वैल्यू होती है, फॉर एग्जाम्पल हमने 10 तक करना होता है, फिर हम 4 लेते हैं उसमें कुछ बिट्स यूज होती है कुछ नहीं होती। अब लेफ्ट पे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है या हमारे पास 7 होगा या 6 होगा, इनमें से कोई एक स्टेट हो सकती है, या नंबर 7 होगा या 6 होगा या 5 होगा या 4 होगा, 3, 2, 1, 0, इनमें से कोई एक स्टेट होगी। अच्छा, अब वैसे इंटरमीडिएट स्टेट्स भी हो सकती है, क्योंकि आपको क्या पता है एग्जैक्टली यहाँ पे 7 आ रहा होता है, यहाँ पे 6.5 आ रहा है, 6.4 आ रहा है, 6.3 एग्जैक्ट तो बाद में वैल्यूज नहीं आती, लेकिन अनलेस के वो नेक्स्ट स्टेज पे पहुँच जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 6.5 की वैल्यू है तो वो यहाँ पे 6 ही प्रसिद्ध होगी, क्योंकि अगर वो अपनी नेक्स्ट स्टेज में नहीं पहुँचेगा तो प्रीवियस स्टेट ही प्रसिद्ध होगी। अगर फॉर एग्जाम्पल 0.5 है तो वो 0 ही प्रसिद्ध होगा, अगर 1.5 है तो 1 ही प्रसिद्ध होगा। हमने इसको पार करके अपनी वैल्यू को टच करके जो कुछ भी डेसिमल वैल्यू है या जो होल नंबर वैल्यू है वही कंसिडर होगी। ठीक है, तो ये ओवरऑल इसका काम है। आप जो वैल्यू यहाँ पे आ रही होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर 6 आ रही है तो 6 के कॉरस्पॉन्डिंग ये कर देगा 1, 1, 0, अगर 0 आ रहा है तो 0, 0, 0 कर देगा, अगर 7 आ रहा है तो 1 कर देगा। इसलिए जस्ट जो नंबर इसको लेफ्ट साइड पर मिल जाए इसको रीड करना है, रीड तब करेगा जब ये वाली इनपुट हाई होगी, कि आगे इसका ग्राफ आ रहा है उसमें नजर आता है। जब ये इनपुट हाई होगी तो आपके जो एनालॉग वैल्यू है जो लेफ्ट साइड में पार्ट में से किसी एक पे फिक्स कर सकते हैं तो आपकी डिजिटाइज होगी, आपको मिली होगी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को देख लेते तो उसको सॉल्व करने में ज़्यादा समझ आ गई कि कैसे ये काम कर रहा है। ठीक है, जाएगा।
उसके बाद जो नेक्स्ट प्राइस है वो हमारी 5 है, तो 5 जो है वो 10 का पहले, उसके बाद फिर 6 है तो 1 10 बन जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट 6 पॉइंट समथिंग है, तो पॉइंट्स वाली वैल्यू से उनको उनकी फ्लोर कमांड होती है, फ्लोर एक सीलिंग कमांड होती है बैट करने, फ्लोर कमांड होती है, फ्लोर होती है वो अगर 6.6 को फ्लोर करो तो उनकी जो डी उसकी वैल्यू होगी होल्ड होकर उसकी भी तो यहाँ पर फ्लोरिंग भी होगी। फ्लोरिंग की रीज़न है कि ADC की रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि कितने वोल्टेज पे ऑन होगी, बिट चेंज कर रहे तो यहाँ पे 1 वोल्ट के ऊपर बिट चेंज कर वो आप देख भी सकते हैं, ये 5 और 6 है, बीच में कितना ये वोल्ट्स है, अगर 3 वोल्ट 5 वोल्ट 6 वोल्ट 5 वोल्ट और 6 वोल्ट के बीच में 1 वोल्ट का फर्क है, ये 101 के ऊपर 101 है, लेकिन 1 वोल्ट के ऊपर 1 बिट चेंज हो गया, अगर 0.25 या 0.3 भी हो रहे हैं तो फिर हम क्या करते हैं 6.3 या जो प्रीवियस वैल्यूज हैं इनके ऊपर भी नेक्स्ट बिट सीख हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे एक के ऊपर चेंज हो गया, और इसकी सिंपल सी रीज़न है कि रेजोल्यूशन के लिए पॉसिबल स्टेट्स होती हैं डिवाइडेड बाय 2 है नंबर ऑफ स्टेट्स ये काम करना है, पीछे रहते हैं तो कहता है कि
determine writing number and the sampling pulses draw the resulting digital output waveform. So then I want that problem of क्योंकि एक सीक्वेंस के
हमेशा फिक्स होगा, उसकी वजह से चेंज होगा।
तो इसके यहाँ पे रेफरेंस है वो कॉन्स्टेबल है, तो अगर कॉन्स्टेबल रेफरेंस है सिंपल वोल्टेज अप्लाई करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 110 मतलब तो जो भी वैल्यू आती है 1.3 या 1.6 या व्हाटएवर वो आपकी वी रेफ हो जाएगी, ठीक है। और इसकी एक्सप्रेशन अगर लिखना चाहें तो ये वाली वैल्यू जो बनती है 10 डिवाइडेड बाय 110 इनटू 3 माइनस वी, ठीक है। तो जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है वो आपकी रेफरेंस वैल्यू इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह सेकंड में देखा जाए तो ये इसकी जो वैल्यू होती है वो हो जाएगी 22 डिवाइडेड बाई 22 प्लस 47 इंटू माइनस 12, तो ये माइनस 2.8 के समथिंग के आसपास है, ठीक है। तो दोनों की रेफरेंस वोल्टेजेस निकल आएंगी। अब यह टॉपिक है समिंग एम्पलीफायर, तो समिंग एम्पलीफायर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके काफ़ी डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसा कि इसके नाम से क्लियर है समिंग कुछ चीज़ को ऐड कर रहा है, तो इसका जो बेसिक सर्किट है वो एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन है। जी आप देखें तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि जो इनपुट सिग्नल है वो नेगेटिव किया हुआ है पॉजिटिव ग्राउंड किया हुआ है, ठीक है। और फीडबैक भी किया, तो अगर मैं इसका शो करूँ एक रजिस्टर को आप ध्यान में आगे रखते हैं ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो सकता है, लेकिन यहाँ आप एक रजिस्टर भी कनेक्ट करें हमें यहाँ पर बोथ किए हैं, और अगर हम चाहें तो हम मल्टीपल कनेक्ट कर सकते हैं, और मल्टीपल कनेक्ट करने के बाद उसको डिफरेंट वोल्टेज देंगे सर्किट क्या करेगा, इधर जो इनपुट वोल्टेज है प्लस इधर जो इनपुट वोल्टेज है अगर मैं और भी इसमें ऐड करता हूँ तो उस पर भी ऐड करेगा, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है कि आउटपुट की नेगेटिव के साथ दे रहा होता है, इसके आउटपुट वैल्यू नेगेटिव के साथ होता सम ही है, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल 12 बना तो माइनस 12 आ जाएगा, अगर माइनस 12 बना तो प्लस 12 आ जाएगा। तो इसको हल भी किया जा सकता है, अगर आप चाहते हैं कि यार इसका आउटपुट पॉजिटिव है तो जस्ट एक और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर साथ में लगा दें और उसका जो गेन रेशियो है वो बात करते हैं। तो अब आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी, आपको Vin1 प्लस Vin2 मिल रहा होगा, यहाँ पर जो रजिस्टर है वो सेम वैल्यू के रहते हैं, ठीक है। जैसे एक सिनेरियो दे रहा हूँ करना चाहें और तो यहाँ पे किसी जरूरत की ना किसी नहीं दिए क्या करें, लेकिन अगर कभी इसका सवाल है कि यार आप चाहते हैं कि समिंग भी हो और आपकी जो आउटपुट है वो पॉजिटिव हो तो फिर आप ये कर सकते हैं, इसका गेन वन हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे वैल्यू अगर माइनस है दोबारा माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस हो, ठीक है। वैसे ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है अगर बताइए उतनी यही चीज़ है। तो अब इसका करना कि हमने इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाली है, और वो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको मास और ट्रांसफर फंक्शन भी कहा जाता है। ट्रांसफर फंक्शन में मतलब होता है एक ऐसी एक्सप्रेशन जो आउटपुट और इनपुट को लिंक करती है, ठीक है। तो इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए हम सिंपल नोडल एनालिसिस या के स्क्वायर अप्लाई करते हैं। ये एक ही नोड है कि इसमें कोई रेजिस्टर नहीं है, तो वी है और वी नेगेटिव सेम चीज़ है, ठीक है। अगर आप देखें इसमें कुछ नहीं है, अगर मैं इस नोड पर कैसे अप्लाई करता हूँ नोड ए पे या मैं कहता हूँ कि इन्वर्टिंग करते हैं तो मेरे पास आता है माइनस आई वन माइनस आई टू प्लस आई ठीक है। अब आई वन किसके बराबर है, आई वन इधर और इधर के डिफरेंस के बराबर है, तो यह हो जाएगा माइनस वी इन वन माइनस वी ए डिवाइडेड बाई आर वन माइनस वी इन टू माइनस वी ए ओवर आर टू। अब आई टी के लिए वी आउट की वैल्यू देखनी पड़ेगी, तो वी आउट की वैल्यू है माइनस आई टी इन टू आर वन माइनस की इतना कि ये इधर पॉजिटिव है, अगर यहाँ पॉजिटिव होता और यहाँ नेगेटिव होता तो मैं प्लस होता, ठीक है। तो और इसकी रीज़न क्या है कि इन्वर्टिंग हमेशा उल्टा कर देता है, जो आउटपुट है वो इनपुट के मुकाबले में उल्टा करता है। अगर यहाँ पॉजिटिव इनपुट होगी तो नेगेटिव आउटपुट होगी, अगर नेगेटिव इनपुट होगी तो पॉजिटिव आउटपुट उसको इन्वर्ट करते हैं। तो आई टी बन जाएगा माइनस वी आउट ओवर आर एम। राइट साइड ले जाता है ये बनेगा माइनस आई डी, और साथ में एक और चीज़ वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट, वर्चुअल ग्राउंड का क्या कॉन्सेप्ट था कि बीच में इम्पिडेंस बहुत हाई होती है, उस हाई इम्पिडेंस की वजह से जितनी वोल्टेज क्रिएटर में रहता है उतनी वोल्टेज क्रिएटर क्रिएटर में रहता है, यही कॉन्सेप्ट था। तो अगर वर्चुअल ग्राउंड को इस्तेमाल किया जाए तो वी ए इक्वल टू वी नेगेटिव इक्वल टू वी पॉजिटिव इक्वल टू जीरो, ये जीरो पे ये इसके बराबर है
जस्ट सिर्फ डायरेक्ट वैल्यूज आ रही है, यहाँ पे वैल्यू दी गई है वी इन वन की 3 वोल्ट है, दूसरे की 1 वोल्ट है, उसकी 1 वोल्ट है, उसको अगर कॉल करेंगे तो ये माइनस 5 वोल्ट का। अगर बुक में देखें सेम आंसर है, सिंपल सा सर्किट है, क्योंकि आपने ऑलरेडी देख लिया था कि सेम है, तो आप डायरेक्ट इसको भी देख सकते हैं। मैंने जस्ट इसको उसके लिखे कि बार बार आपके कॉपी आ गई, फिर आप माइनस इससे रिलेटेड प्रॉब्लम में कहते हैं चौथे आउटपुट है, तो चौथे आउटपुट अगर आप ऐड करें चौथे आउटपुट नेगेटिव है, तो ट्वेल्थ के अंदर अगर माइनस 0.5 लेके तो क्या होता है। पर आप ही जानते हैं तो इसमें आउटपुट ऐड नहीं होगा दूसरा वाला पिछले वाला। वो तो ये मैंने उसी सवाल लगवा दिया जो आपने वो अपने दोबारा ही लगा नहीं सर मैं तो जो आपने पिछला वो तो ये लेवल पर था भाई, वो मैंने सर जरा बता अच्छा तो अब ये ज्यादा समिंग है इधर पे गेन ग्रेटर है इसका मतलब है कि आप आर एफ और आर का रेशियो घर के बराबर नहीं है, कोई भी रेशियो सकते हैं जो कि नॉन यूनिटी है, ठीक है। और नॉर्मली आप देखिए कि हर रिजल्ट का डिफरेंट अफेक्ट होगा, एक ही वैल्यू नहीं होगी, किसी का अफेक्ट डिफरेंट होगा, इसको बहुत ज़्यादा स्केलिंग भी कहा जाता है। तो आउटपुट जैसे की बात इसलिए अगर उन्होंने स्केल किया जरूरी नहीं है और इक्वल टू माइनस आर एफ ओवर आर इन टू वी एन वन माइनस आर ओवर आर टू इंटू वी एन टू, तो आर एफ की वैल्यू 10K माइनस 10K ओवर 1K इंटू 0.2 और माइनस 10K हमें प्लस वी टू एन ये फॉर्मूला बन जाएगा और माइनस 10
बस हो गया भाई आवाज तो नहीं आ रही है लेकिन पता बहुत ज़रा डेंजरस है कि बहुत सी बार सीन नहीं होंगे तो आर एफ को नॉर्मल ले रहे हो लेकिन बात वाली चीज़ क्या वो यार तुम सर नहीं आ रहे तो माइक नहीं यार तुम भी आप से ले रहे हो आपके पॉइंट ओके यार ठीक है मैं तो उनके लिए कह रहा हूँ चाह रहे हैं ऑनलाइन देते हैं तो मेरे को माइक दे दो मुझे कहाँ मंगा लो कैसे करो ये सही तो भैया ने डिसाइड कर दिया हम क्या कहते एन की वैल्यू फाइंड करनी है इसका मतलब है ये राउंड नंबर आ गया ना तो होगा वी चारों इनपुट प्लस कर और ऊपर फोर ले दे नीचे फोर वैकेट के अंदर कंडीशन का सच का
फिर फाइल कर लें, फाइव इनपुट्स हो जाएंगे। जीरो पॉइंट फोर नहीं जीरो पॉइंट टू प्लस एट तकरीबन टेन बनेगा सर नाइन एक मिनट वाला एक नॉन मिनट वाला और इसके बाद अदरवाइज जस्ट सफर
एंड हो गया।